गाइस आई एम सुरेश, बहुत लोग मुझे जानते होंगे। नहीं गाइस आई मीन एपीएसटी के, फिलहाल तो अभी मैं हॉस्टल पे हूँ, ये टीवी रूम है। सो आज का ब्लॉग सिर्फ आप लोग के लिए, सो प्लीज़ वॉच टिल एंड, एंड एंड में हॉस्टल का भी ब्लॉग है, सो एंजॉय, लेट्स बिगिन। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का जय, महाकाल का जय ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। Guys, in comment, tell me who all are missing this place.
गाइस ये हॉस्टल का टीवी रूम है, ये देखिए ऐसा है। इधर अंदर से मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ऐसा है हॉस्टल का टीवी रूम। ये पहले इधर सोफ़ा रहता था बट अभी हटा दिया है, आई डोंट नो व्हाई, हमें क्या लेना देना। जैसे कि आप लोग बाहर जाओगे तो ये कॉरिडोर है ना, एंड यहाँ पर न्यूज़पेपर रखे जाते थे एंड पढ़ते थे लोग, बच्चे लोग, एंड वो सब कॉरिडोर है। एंड आप लोग अगर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से एक उस साइड निकलने का जगह था बट अब बंद कर दिया है। गाइस हम ये किचन का रास्ता है एंड दिस इज टीटी रूम, मीन्स यहाँ पर खेले जाते हम खेलते थे हम। कैसा है ना, ये टेबल टेनिस है एंड दैट्स ऑल यार। ये कैरम बोर्ड था जिसमें हम सीनियर्स के साथ, किचन वाले भैया के साथ बहुत खेलते थे। दैट्स ऑल गाइस, जैसे हम बाहर निकलेंगे ये हमारा किचन है, ये देखिए ऐसा किचन है। अब तो यार बहुत बेकार सा हो गया, पहले अच्छा था, बाद में खाना बनाएंगे इधर ही। एंड दैट्स ऑल गाइस, ऐसा हॉस्टल। एंड ये हम वो जो सामने ना वो जिम है, एंड ये वाटर पॉइंट है, एंड ये मेस है, ये डाइनिंग हॉल है जहाँ अभी बंद है, बंद है क्योंकि इस पर। मेरे टाइम पे भी पता नहीं, आई डोंट नो किसके लिए यूज किया जाता है। चलिए जिम खोलते हैं। बहुत टाइट है गाइस, ये देखे, दिस इज माई जिम ब्रो, दिस इज हॉस्टल जिम गाइस। क्या मस्त है, मतलब अब मस्त नहीं है, पहले था, अब तो क्या गाइस, लेट्स डू सम वर्कआउट्स। ठीक है, आप इंजॉय करिए, मैं थोड़े वर्कआउट्स करता हूँ। गाइस ये रात का सीन है, हॉस्टल ऐसा लगता है, ये देखिए ऐसा है। और एक जगह ये जो है ना, ये रूम में पहले मैं रहता था बचपन में, बचपन का रूम यार। दिस रूम वाज ऑसम यार, ये बेस्ट रूम था मेरे लिए। टेबल, ये कुर्सी तो पहले ऐसा नहीं था, एंड दिस इज़ दी बाथरूम और वो।
स्टडी रूम है।